हेलो दोस्तों, मैं सुनील रावत इस चैनल का होस्ट एंड आपका दोस्त। दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल ट्रेजर टुडे में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल एंड सेल्स क्या होते हैं, कॉलम एंड कॉलम्स क्या होते हैं, रो एंड रोज क्या होती हैं, और इनके हम कैसे पोजिशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे फार्मूला बार के बारे में कि फार्मूला बार क्या होता है और इसका बेनिफिट आप कैसे जो है चेक कर सकते हैं, या क्या फिर आपको किसका क्या बेनिफिट होता है। हेडिंग्स क्या होती हैं, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं और इनका आपको क्या बेनिफिट होता है, का कैसे आप इन्हें हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को कम्प्लीट पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाली है। सो बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पर और स्टार्ट करते हैं एक्सेल वर्कबुक। सो दोस्तों यहाँ से मैं वर्कबुक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे डेस्कटॉप पे है। सो हम यहाँ पर हमने वर्कबुक ओपन कर ली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल की। इस समय जो आपका एक्टिव सेल है वो है F3, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ दिख रही है नेम बॉक्स में। ये नेम बॉक्स है जहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि F3 जो आपका करंट इस समय सिलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये सेल हैं और इस तरीके से अगर हम सिलेक्ट करें तो ये इस समय हमने 3 सेल जो है सिलेक्ट कर लिए हैं। तो सेल जो है सेल्स मिलके जो है वर्कशीट बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये सब जो है सेल्स हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मिलके बनते हैं कॉलम एंड दी रोज के थ्रू। सो देखिए, जैसे कि आप जब भी चेक करेंगे तो आपको जो सेल की एड्रेस देगा वो सिस्टम आपको बताएगा कि आप इस समय, जैसे सपोज अभी एग्जांपल लेते हैं, इस समय हमारा एक्टिव जो सेल है, एक्टिव सिलेक्शन है वो F3, जो कि F यहाँ पर कॉलम है और 3 यहाँ पर रो है। सो जो हमारे सेल होते हैं या सेल्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे रो एंड कॉलम्स के। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी बात सेल एंड सेल्स की। साथ ही दोस्तों, अगर आपको चेक करना है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके सेल का एड्रेस क्या है अपार्ट फ्रॉम दी नेम बॉक्स, सो आप टाइप करेंगे यहाँ पर इजिकल टू सेल और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, टैप करेंगे यहाँ पर एड्रेस एंड एंटर प्रेस करेंगे। सो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर G4, यहाँ पर इसने बताया है कि आप इस समय जी कॉलम एंड दी 4 रो पे हैं। G4 इसने एड्रेस दिया है जो कि आपको यहाँ पर जो नेम बॉक्स में भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों लेकिन जो सेल फंक्शन हमने यूज़ किया है एक वोलाटाइल फंक्शन है। सो दोस्तों वोलाटाइल फंक्शन क्या होते हैं? वोलाटाइल फंक्शन ये वो फंक्शन होते हैं जो रिकैलकुलेट होते हैं जब भी कोई चेंजेस एक्सेल की सेल या फिर शीट में किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वोलाटाइल फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, ये चेंज होता रहेगा। अभी हमने सिलेक्शन यहाँ पर मैं कुछ प्रेस करता हूँ, सो अब ये जो एड्रेस देगा वो करंट का देगा जहाँ पर मैंने एंटर किया है, जहाँ पर मेरा सिलेक्शन है। सपोज देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये एंटर किया था, वैल्यू डाली थी, सो इसने दिखा दिया I4। ठीक है दोस्तों, I4 उसने दिखा दिया है यहाँ पर नेम में। ठीक है, तो नेम फ्रेम में इसने ये दिखा दिया है। और दोस्तों साथ ही बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कॉलम की एंड कॉलम्स की। सो दोस्तों कॉलम क्या होते हैं? कॉलम ये जैसे कि आप देखेंगे ये वर्टिकली ABCD और ये आपके जाते हैं एंड में XFD तक। तो दोस्तों हमारे पास टोटल एक्सेल 2013 में जो कॉलम्स हैं वो 16,384 हैं। आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं इजिकल टू कॉलम के फंक्शन से। कॉलम करेंगे, टैप करेंगे यहाँ पर और एंटर प्रेस करेंगे, सो आपको दिखा देगा कि इस समय आप कौन से कॉलम नंबर पे हैं। सो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। सेम अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सेल फंक्शन की, तो इजिकल टू सेल और यहाँ पर COL कॉल सेकेंड ऑप्शन एंटर, सो ये दिखा रहा है 16,383। ठीक है दोस्तों, सो इसने ये वैल्यू दिखाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दूँ ना अभी और फिर एंटर मारूँ, तो ये दिखा देगा 16,384 जो कि लास्ट वैल्यू है हमारे कॉलम्स की, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है लास्ट सिलेक्शन, जो मेरा लास्ट चेंजेस थे वो इस कॉलम में थे। इसलिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था एक वोलाटाइल फंक्शन है, सो इसलिए इसने जो है आपके लास्ट एक्शन को ये जो है रिकैलकुलेट करते हैं या उन्हें दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई कॉलम की।
नाउ बात करते हैं कॉलम्स की। तो दोस्तों मोर देन वन कॉलम इज कॉल्ड द कॉलम्स। जैसे सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस समय हमारा जो सिलेक्शन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जे के एल एम एन, ये फिलहाल हमारा पांच कॉलम्स में सिलेक्शन है। सो अगर आप इनको फार्मूले के थ्रू चेक करना चाहें, सो इन कॉलम्स को आप इक्वल टू करेंगे, कॉलम्स करेंगे, टैप करेंगे और उसके बाद सिलेक्शन देंगे। आप यहाँ पर भी सिलेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है थ्री आर इंटू थ्री सी, मतलब तीन रो इंटू थ्री कॉलम, तीन कॉलम्स। सो एंटर में प्रेस करूँगा, आंसर आएगा थ्री, जो कि कॉलम्स का हमारा सिलेक्शन था। तो ये बात थी कॉलम्स की, ठीक है। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम रो एंड रोज पे। दोस्तों ये जो दिख रहे हैं हमें हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 इस तरह जो जो काउंटिंग चल रही है, सो दोस्तों इनको देखिए ये सब हमारी रोज होती हैं और जो ख़त्म होती हैं 10,48,576 तक। आप कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आप एकदम नीचे चले जाएंगे अगर बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। सेम ऐसे ही आप कंट्रोल अप करेंगे तो आप दोबारा ऊपर चले जाएंगे और कंट्रोल डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि आप इस समय कौन सी रो में हैं, सो आप टाइप कर सकते हैं इज इक्वल टू रो फंक्शन और यहाँ पर आप जो है एंटर प्रेस करेंगे, सो आपको वैल्यू मिलती है 10,48,576 जो कि आपकी रो की वैल्यू है। सो आप जब भी कभी आपको जानना हो तो आप इस रो के फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं रोज़ की। मोर देन वन रो इज़ कॉल्ड द रोज़, राइट। सो उसको चेक करने के लिए फार्मूले के थ्रू आप टाइप करिए इज इक्वल टू यहाँ पर रोज़। नाउ आप सिलेक्शन दे दीजिए, सपोज मैंने ये सिलेक्शन दिया, यहाँ पर दिखा रहा है अभी 7 रो एंड 1 कॉलम, यानी हमने एक ही कॉलम में 7 रोज को सिलेक्ट किया है। प्रेस करूँगा एंटर तो हमारे पास आंसर आएगा 7। तो ये 7 हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये बात हुई कॉलम की, ठीक है दोस्तों, सॉरी रॉ की। सो दोस्तों अब इसी तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं सेल फंक्शन भी। सेल फंक्शन में यहाँ पर भी हमारे पास रो का ऑप्शन होता है जो कि रो नंबर बता देगा आपको। लेकिन सपोज़ मैंने यहाँ पर प्रेस किया कोई भी नंबर या फिर कुछ भी मैंने चेंजेस करे आपने किसी और भी सेल में या किसी रो में या किसी कॉलम में, तो वो उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देगा। मतलब उसने आंसर दिया, देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया था एफ कॉलम में था मैं 10,48,562 में, और इसने मेरे को जो आंसर दिया है दोस्तों वो देखिए क्या दिया है यहाँ पर, इसने यहाँ पर ऊपर दे दिया मेरे को ये आंसर 10,48,562। तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे वॉलेटाइल फंक्शन है, सो ये आपके हर एक्शन के साथ चेंजेस होते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वॉलेटाइल फंक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं फॉर दी एग्जांपल। सो हमारे पास सेल फंक्शन है, नाउ फंक्शन है, टुडे फंक्शन है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि वॉलेटाइल फंक्शंस हैं एक्सेल के अंदर, और इनके अलावा और भी हैं, फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं हेडिंग और ग्रिड लाइन की। तो दोस्तों हेडिंग्स क्या होती हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे कॉलम्स हैं ए बी सी डी, इस तरीके से ए बी सी डी ये जो हमारे कॉलम्स हैं, सो ये सब क्या है, हेडिंग्स हैं। जैसे सेम ऐसे यहाँ पर जो रोज़ के लिए 1 2 3 4 इस तरीके से, सो ये क्या है, ये हेडिंग्स हैं, ये कॉलम, ये रोज़ की हेडिंग्स हैं। अगर आप इन्हें चाहते हैं हाइड करना या अनहाइड करना, सो आप उसके लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू के अंदर। सो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट, ऑल्ट प्रेस करते ही हमारे टैब ऑन हो जाते हैं और हमें पता है व्यू के अंदर है, तो हम प्रेस करेंगे W। नाउ फर्स्ट बात करें हेडिंग्स की, सो हेडिंग्स के लिए आप या तो अपने कर्सर से माउस से यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर अनचेक कर दीजिए तो ये अनहाइड हो जाएंगे, ये हाइड हो जाएंगी। और अगर या फिर आप जो है VH प्रेस करते हैं तो सारे हेडिंग्स कॉलम प्लस रो ये सब हमारी जो है हाइड हो जाएंगी। मैं प्रेस करता हूँ VH, तो VH करते ही ये हमारी हेडिंग्स जो है हाइड हो गई हैं। अगर अनहाइड करना चाहते हैं दोबारा क्लिक कर दीजिए, ठीक है। सेम बात करते हैं ग्रिड लाइंस की। ग्रिड लाइंस का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, देखिए वर्टिकली कुछ लाइंस दिख रही हैं आपको हर सेल में, और ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टली भी कुछ लाइन दिख रही हैं, ठीक है। सो दीज आर दी ग्रिड लाइंस जो कि मिलके एक हमारे सेल्स बनाते हैं और ये पूरी स्प्रेडशीट बनाते हैं मिलके।
ग्रिडलाइंस, ग्रिडलाइंस जो हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यूज़ हुई हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप इन्हें चाहते हैं हाइड करना, अभी फ़िलहाल ये अनहाइड है, इन्हें हाइड करना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये जो है हाइड हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अपना जो है शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट डब्ल्यू और उसके बाद प्रेस करेंगे आप वी जी, तो ये देखिए जो ग्रिड लाइन्स है वो हाइड हो गई हैं। अगर आप अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। नाउ दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला बार की, ठीक है दोस्तों। लेकिन फार्मूला बार पे आने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, आपने तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंसिल, एंटर और एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। तो इनकी बात कर लेते हैं, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पर टाइप किया, कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू मैंने टाइप कर ली और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया इसे कैंसिल को, तो जब मैं कैंसिल पर सिलेक्शन करूँगा या फिर एंटर करूँगा तो ये जो वैल्यू मैंने डाली है ये हट जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये हट गई है। सेम ऐसी बात करेंगे टेक्स्ट पे भी काम करते हैं, कैंसिल और ये एंटर वाला। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, सो ये टेक्स्ट का लिया, यहाँ पर ये एंटर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे सो ये एंटर हो जाएगा, ये टेक्स्ट है इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इसको न्यूमेरिक, ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू होती, तो न्यूमेरिक वैल्यू होती तो ये राइट हैंड साइड पर आती आपके सेल के, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये राइट हैंड साइड पर आ गई है, तो ये टेक्स्ट था तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे गया, तो ये एक पहचान होती है टेक्स्ट और न्यूमेरिक की। नाउ दोस्तों तीसरा हम बात करते हैं एफ एक्स, जो इंटर इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको फंक्शंस मिलते हैं बहुत सारे एक्सेल के फार्मूलाज। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हैं, आप नीचे आएंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे, ये तो वो फंक्शन है जो आपने इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी जाके जो है चूज़ कर सकते हैं फंक्शंस। फिलहाल फॉर दी एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर सम का, सम हमने सेलेक्ट किया, नाउ ये पूछा है नंबर वन, पहला नंबर क्या है आप जिसे ऐड करना चाहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ फाइव नंबर हमारा फर्स्ट है, सेकंड नंबर हमने अगेन फाइव ले लिया, अगर कुछ थर्ड पे डालना है तो आप डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको यह आंसर भी दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों, और फार्मूला रिजल्ट भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है 10, सो हम ओके करेंगे, 10 यहाँ पर हमें आंसर मिल गया, ठीक है दोस्तों। नाउ बात करते हैं इस बार की, दिस इज़ दी फार्मूला बार। फार्मूला बार में आपको जब आप टाइप करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू दिखाएगा, जब आप टाइप करते हैं अल्फ़ाबेटिक वैल्यू वो आपको अल्फ़ाबेटिकली यानी टेक्स्ट दिखाएगा, जब आप टाइप करते हैं टेक्स्ट प्लस न्यूमेरिक तब वो आपको दोनों चीज़ें दिखाएगा। लेकिन अगर आप टाइप करते हैं कोई फार्मूला, लाइक सपोज मैं यूज़ कर लेता हूँ मैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, और मैक्स फंक्शन हम सिलेक्ट करते हैं, सपोज मैं ये रेंज दे देता हूँ, ये तीन रो और एक कॉलम की हमने रेंज ली है, फिलहाल अभी कुछ वैल्यू हमने डाली नहीं तो अब डाल देता हूँ मैं इसमें 10, 5 एंड 50, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पर इसने दिखा दिया 50 का, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय ये फार्मूला बार में सिर्फ फार्मूला दिखा रहा है ना कि रिजल्ट, ठीक है दोस्तों। सो ये फार्मूला बार का हमें बेनिफिट होता है, कई बार क्या होता है दोस्तों आप नेस्टेड फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये जो स्पेस है इसका फार्मूला बार का ये काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है, तो इसको सही करने के लिए आप यहाँ पर जो आपके डाउन एरो दिख रहा है यहाँ पर फार्मूला बार में आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्पेस इसका बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज हमने बात करी कि सेल क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, नेम बॉक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, रोज क्या होते हैं, हेडिंग्स क्या होती हैं और ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, साथ ही हमने बात करी फार्मूला बार के बारे में। सो दोस्तों और साथ ही हमने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी जो कि था वोलाटाइल फंक्शन के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर रैपअप करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे MS Excel की नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।